भाई जैसा कि आप देख सकते हैं सामने खड़ी हुई अपनी दोनों बाइक्स R15 V3 और अपनी R15 V4। तो जैसा कि आप सभी को पता है आज करने वाला हूँ इन दोनों बाइक्स में डिटेल कंपैरिजन कि मतलब कौन सी बाइक में आपको क्या मिलता है और कौन सी बाइक में क्या नहीं मिलता है, और थोड़ी इन बाइक्स की बुराइयाँ करेंगे और थोड़ी अच्छाई भी आपको बता दूंगा, सब चीज़ बता दूंगा इस वीडियो में। वीडियो को स्किप मत करना और चैनल को जाके कर लो सब्सक्राइब। तो अभी स्टार्ट करते हैं पहले अपनी V4 से। तो जैसा कि आप सभी को बताइए अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है यामाहा की तरफ से। तो ये है V4 वाला मॉडल है और आप सबको पता ही है ये रेड वाला जो अपना फर्स्ट यूनिट आई थी यामाहा की R15 V3 की, BS4 वाला मॉडल है और वो BS6 है। तो अब इन दोनों बाइक्स में आपको क्या चेंज देखने को मिल जाएगा लुक के हिसाब से ही देख सकते हैं, क्योंकि जो V3 का लुक है वो वही लुक आता है जो इसमें मतलब जब ये लॉन्च हुई थी, और अभी ये जो रिसेंटली वाला लुक है इसका R15 V4 वाला आप देख ही सकते हैं कितना एजाइल लुक है और बहुत ज़्यादा शार्प लगती है। जो इसके एरोडायनेमिक्स है वो ज़्यादा अच्छे कर दिए गए हैं पहले से। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने इंडियन रोड्स कैसे हैं, तो जब ये मतलब लॉन्च हुई थी R15 V3 तो इसमें एक कमी लगती थी, जैसे कि इस बाइक के राइवल्स हैं और जो इसके कंपेटिटर्स हैं, और जैसे कि इस बाइक को बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जाता है RC 200 से और भी, और जैसे कि RS 200 उनसे कंपेयर किया जाता है इसकी पावर मतलब परफॉर्मेंस के मामले में। बाकी अगर मैं इसको RC 200 से कंपेयर करूँ तो वो इससे कहीं ज़्यादा प्रीमियम साइड में आ जाती है और इससे ज़्यादा अच्छे फीचर्स उसमें मिल जाते हैं और इससे ज़्यादा अच्छे पार्ट्स उसमें मिल जाते हैं। तो अभी जो मतलब जब ये लॉन्च हुई थी, जब इसको लोगों ने मतलब ले लिया था, ऑन करने लगे थे, तो इसमें एक की जो एक चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी इसमें महसूस करी थी। RC 200 में आपको USB फोक्स मिल जाएंगे बट इसमें टेलीस्कोपिक फोक्स आए थे, तो हम कंपैरिजन की बात इसलिए कर रहे थे। तो अभी वही चीज़ को अब जो कंपेयर करने वाली बात आई है भाई वो यहाँ से आई है, क्योंकि इस बाइक में आपको मिल जाते हैं टेलीस्कोपिक फोक्स और जो अभी अपना रिसेंट वाला जो मॉडल है अपग्रेडेड वाला जो मॉडल उसमें आपको मिल जाएंगे USD फोक्स, जो कि भाई कहीं ना कहीं होना भी चाहिए था। बट अगर उस टाइम के हिसाब से देखें तो बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है, पर अपने जैसे इंडियन रोड्स के हिसाब से देखा जाए तो भाई कहीं ना कहीं USD फोक्स ज़्यादा बेटर वर्क करते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा वाला कंपैरिजन हो जाता है इन दोनों बाइक्स में। और मेरे लिए तो देखो अब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैं इस बाइक को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ जब से ये आई है, जब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी और फिर मैंने जब इसको थोड़ा यूज़ किया, इसको मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस किया, तो मेरे को इसमें कमी ये चीज़ लगी, पॉट होल्स आ जाते हैं। तो उसमें क्या है, उसमें थोड़ा बम्प्स फील होते हैं इसमें, मतलब आपके रिस्ट में आपके थोड़ा मतलब फील होंगे कि हाँ बाइक के टायर के नीचे कुछ आया है। तो वहीं बात करें हम अपनी R15 V4 की, तो इसके जो USD फोक्स है वो कहीं ज़्यादा बेटर वर्क करते हैं टेलीस्कोपिक फोक्स से। तो ये एक बहुत मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा वाला कंपैरिजन हो जाता है इन दोनों बाइक्स में। और अभी बात करते हैं इस बाइक के लुक का, जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट होता है वो चीज़। और मेरे को आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक बार कमेंट ये करके बताना कि आपको V3 का लुक ज़्यादा बेटर लगता है या फिर अपनी R15 V4 का लुक ज़्यादा बेटर लगता है। तो एक बार कमेंट जरूर करना है आप सभी को, जो कि एक बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है V4 में वो चीज़, क्योंकि आप सब V3 को आप देखते आ रहे हो। तो थोड़ा इसका डिज़ाइन भी मतलब इतना भी ओल्ड नहीं है, मतलब अच्छा है, बट लेकिन अगर हम कंपेयर करें अपनी V4 से तो भाई कहीं ना कहीं ये वाला लुक पुराना हो चुका है। और एक ना एक टाइम पे मतलब चीज़ें अपग्रेड होती रहती हैं, तो उसी के हिसाब से अपनी पसंद भी मतलब बदलती रहती है। तो अब कुछ लोगों को V4 पसंद है, कुछ लोगों को V3 पसंद है, तो वो एक बार मेरे को आप कमेंट करना कि आपको कौन सी वाली बाइक ज़्यादा पसंद है। तो पर्सनली मैं बताऊँ तो मेरे को V4 का लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, V3 का मेरे को ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये थोड़ा स्पोर्टी साइड पर आ जाती है और स्पोर्टी साइड की हम बात इसलिए कर रहे हैं। तो अभी इसको आप हर एंगल से देख सकते हैं, तो ये बाइक इतनी ज़्यादा मतलब बल्की भी लगती है, बट लेकिन जैसे बल्की लगती है ना वो उस टाइप से भी ये मतलब हल्की भी है, बल्की और हल्की। तो आप मतलब किसी भी एंगल से आप इस बाइक को देखोगे ना, आपको मतलब इस बाइक से प्यार हो जाएगा। वो देखो अपना अपना अलग पर्सपेक्टिव है कि आपको कौन सी बाइक का लुक ज़्यादा बेटर लगता है। और जो मेरे को इस बाइक का जो लुक लगता है वो ज़्यादा थोड़ा इस वाले एंगल से ज़्यादा बेटर मेरे को लुक लगता है, थोड़ा ये R1 वाली फीलिंग देती है मेरे को। तो R1 से अपनी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, समझ सकते हैं आप अपनी ड्रीम बाइक है भाई R1। अभी बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है भाई इनका जो हेडलैम्प आता है, जो मतलब जो इनकी हेडलाइट आती है दोनों बाइक्स की। और ये भी मेरे को ज़रूर बताना कि आपको ये वाला लुक ज़्यादा सेक्सी लगता है या फिर ये वाला लुक ज़्यादा सेक्सी लगता है, मतलब हेडलाइट का हम बात कर रहे हैं, लुक की तो हम बात कर चुके हैं इनकी। तो मेरे को जो पर्सनली बताऊँ, मेरे को ये वाली जो इसके DRL से ये ज़्यादा मेरे को बेटर लगते हैं। अगर ये वाले V3 में होते तो भाई
ये मतलब नेक्स्ट लेवल हो जाती, बट लेकिन कहीं ना कहीं मतलब शेप की वजह से ये मतलब थोड़े इस पे जचते भी है। और ये वाला भी कोई लुक भाई मतलब पुराना नहीं हुआ है, अच्छा लुक है। मेरे को ये वाली लाइट भी मतलब काफ़ी पसंद है। बट अगर हम इन दोनों बाइक्स की विजिबिलिटी की बात करें तो इसके ज़्यादा बेटर है। कौन सी बाइक की विजिबिलिटी ज़्यादा बेटर है तो मेरे को इसकी भी अच्छी, इसकी भी इतनी बुरी नहीं है, बट लेकिन इससे क्योंकि इसमें आपको मिल जाएगा प्रोजेक्टर हेडलैम्प तो इसकी ज़्यादा बेटर है विजिबिलिटी। वो चीज़ भाई आपकी कहीं ना कहीं राइड को काफ़ी मतलब अच्छा बना देती है और आपको मतलब इधर आसानी होती है रात में राइड करने में। तो ये तो बात हो गई इनके भाई हेडलैम्प्स की। अपग्रेड करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें भी अपग्रेड होती है, इंजन रिफाइन होता है। और बट लेकिन मैंने अभी एक चीज़ नोटिस करी थी, मैंने इन दोनों बाइक्स का एक छोटा सा वाइब्रेशन टेस्ट करा था, वो मैं क्लिप ऐड करूँगा, वो आप देख लेना। इस वाली बाइक में ज़्यादा वाइब्रेशन है अकॉर्डिंग टू V3 में पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हुआ है वो, जबकि न्यू बाइक है अभी और इसको ये फर्स्ट यूनिट है जब ये बाइक लॉन्च हुई थी, ये जबकि बाइक है। और आप भाई ये अंदाज़ा लगा सकते हो भाई इसके अंदर वाइब्रेशन कम क्यों है और उसमें ज़्यादा क्यों है। तो भाई जैसा कि हम बात कर रहे थे वाइब्रेशन के बारे में, तो अभी मैं दिखाता हूँ कि वो आपके सामने लाइव प्रूफ करके दिखाता हूँ कि इसमें ज़्यादा वाइब्रेशन है V4 जो है और उसमें कम है। तो अभी है मेरे हाथ में पानी का गिलास और इसको मैं रखूँगा इसके टैंक पे, तो आप खुद ही देख लेना अपने सामने रिजल्ट और दिखाता हूँ मैं आपको। ये रख दिया मैंने गिलास, बाइक करी ऑन और ये देखो अभी गिलास क्या है, पानी भी हिल रहा है और अभी कैमरा इतना जज नहीं कर पाएगा क्योंकि गिलास भी थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, आप ध्यान से देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा गिलास हिल रहा है। ठीक है, तो ग्लास रख दिया है मैंने V3 के ऊपर और देखो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी देख सकते हैं भाई ग्लास तो बिल्कुल हिला ही नहीं है और बिल्कुल पानी बहुत ज़्यादा बहुत बहुत मतलब बहुत कम मूव कर रहा है पानी भी। तो आप देख ही सकते हैं भाई ये मतलब इससे तो पुरानी हो ही चुकी है, वो BS6 है, ये BS4 वाला मॉडल है। तो आप देख ही सकते हैं क्या फ़र्क है, उसमें ज़्यादा वाइब्रेशन है इसमें कम वाइब्रेशन है। तो ये है आपके सामने रिजल्ट। जो मेरा फेवरेट पॉइंट है वो अभी हम बात करने वाले हैं जो कि है इन दोनों बाइक्स में पावर। तो अगर जो बंदे अभी V3 को ऑन कर रहे हैं या फिर V4 को ऑन कर रहे हैं तो वो मेरे को एक अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सी बाइक में पावर ज़्यादा बेटर लगती है इन दोनों बाइक्स के पावर की। तो वो पावर आपको नेक्स्ट वीडियो में वो आपको देखने को मिल जाएगी क्योंकि अभी इन दोनों बाइक्स का ड्रैग रेस वाला वीडियो भी आने वाला है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप सबसे पहले वीडियो देख सको। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना मोटरार्ट्स को, काफ़ी अच्छा अच्छा कंटेंट ऑन द वे है। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, अगर नहीं इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे मैं अपने YouTube के रिगार्डिंग अपडेट्स करता रहता हूँ। तो गाइस अभी हम बात कर रहे थे इनके पावर फिगर्स की, एक बार मैं आपको शॉर्टकट वे में बता देता हूँ कि कौन सी बाइक में आपको कितनी पावर देखने को मिल जाती है। तो अपनी V3 में मिल जाती है आप 19 BHP आपको V3 में देखने को मिल जाती है और V4 में मिल जाती है आपको 18.4 BHP। तो 0.6 BHP का इन दोनों में फ़र्क है जो कि चलाते हुए भी थोड़ा फील होता है, वो मेरे को नहीं पता क्यों होता है, ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है बट फील होता है वो। तो गाइस अभी आते हैं इसके इन दोनों बाइक्स के सीटिंग पोस्चर के ऊपर। तो अभी हम पहले बात करेंगे अपने V3 की। V3 में आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सीटिंग पोस्चर देखने को मिल जाएगा, वो आप देख ही सकते हो कि इस V4 का थोड़ा अपर साइड है जो हैंडल है और जो अपनी V3 है उसका थोड़ा लोअर साइड है। तो क्योंकि ये बाइक पूरा आप इस बाइक को आप ट्रैक पे भी यूज़ कर सकते हो, V3 में आपको थोड़ा स्पॉर्टी लुक आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा कंपैरेटिव V4। और अगर बात करें हम अपने V4 की तो V4 में थोड़ा अपर साइड है तो थोड़ा मतलब इसका एग्रेसिव नहीं है, आपको मतलब थोड़ा कंफर्टेबल लग सकता है, बट लेकिन अगर आप थोड़ा इसको लंबा राइड करोगे तो आपके रिस्ट में पेन हो सकता है। तो ये भी चीज़ ज़रूर आप एक बार चेकआउट कर लेना लेने से पहले। बात कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स के सीटिंग कंफर्ट की। तो पहले मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, जो ये V3 है इसमें आपको जो सीट की थिकनेस है वो थोड़ी मतलब ज़्यादा मिल जाती है और ये V4 है, V4 में देखो आप कितनी पतली सीट मिल जाती है। तो उसकी वजह से भाई इसका सीटिंग कम्फर्ट ज़्यादा अच्छा है V4 के मुकाबले और उसका बिल्कुल बेकार है सच में। अभी मैंने इसको थोड़ा सा राइड किया था और एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, ये देखो ये कितनी सॉफ्ट है और ये वाली कितनी हार्ड है। तो जो सीटिंग कंफर्ट है वो अपनी V3 का अच्छा है, V4 का बेकार है। तो गाइज यही था अपना एक डिटेल कंपैरिजन और अपनी तरफ से मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने मतलब V4 वर्जन निकाल तो दिया है बट लेकिन इसमें LED इंडिकेटर दे देने चाहिए थे क्योंकि अभी तक V3 में जब से इन्होंने V3 वाला मॉडल निकाला था जब से इसमें हैलोजन वाले इंडिकेटर्स आ रहे हैं, बट लेकिन इनको अपग्रेड करना चाहिए था LED इंडिकेटर्स के ऊपर, उससे क्या होता थोड़ा बाइक का लुक भी इनहांस हो जाता। और मेरे को एक बार कमेंट में ये भी ज़रूर बताना कि ये वाला मतलब चेंज होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था,
और मतलब बाइक में और क्या क्या चेंज होने चाहिए थे वो मेरे को कमेंट में बताना। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना अपने भाई के चैनल को। बाकी मिलते हैं फिर एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।